आप देख रहे हैं कारण बाइक हिंदी और मैं बैठा हूँ बिल्कुल नई टाटा कर्व ईवी में। जी हाँ, ये लॉन्च हो चुकी है। शुरुआती कीमत है 17.5 लाख एक शोरूम, जो वाकई में काफ़ी अट्रैक्टिव है। और हम शुरू कर रहे हैं कार के कैबिन के साथ। देखिए कितने बढ़िया फीचर्स कंपनी ने इस कार में दे दिए हैं। और तकरीबन पेट्रोल डीजल या ईवी की बात करें तो काफ़ी सिमिलर फीचर आपको कैबिन के अंदर मिल जाएंगे। कुछ कुछ डिज़ाइन कलर्स के फ़र्क हैं, जैसे यहाँ आपको ये लाइट कलर मिलता है सीट्स पे, और आपको पेट्रोल डीजल मॉडल्स में एक डार्किश थीम मिलेगा, वो एक फ़र्क है। उसके अलावा फीचर्स ज़्यादातर आपको सेम मिलते हैं, तो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वो एक अच्छी बात है। और साथ में आपको यहाँ फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा ऑटो होल्ड के साथ। ये सभी वेरिएंट्स में है ईवी के, तो एक अच्छी बात है। लेकिन पेट्रोल डीजल में आपको टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा। ई शिफ्टर है, ड्राइव मोड्स हैं, साथ में वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, और ये आपका स्टोरेज स्पेस है। ऑफकोर्स आपको बहुत सारे चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एसी वेंट्स की डिज़ाइन देख लीजिए आप, आपके सामने है। और ये बड़ी 12 इंच की टच स्क्रीन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी है, कनेक्टेड फीचर्स हैं बहुत सारे, वॉट 3 वर्ड्स का फीचर है, वॉइस कमांड है, बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए। ऑफकोर्स ड्राइव मोड्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके सामने है डिजिटल क्लस्टर, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो फुल नेविगेशन का मैप का डिस्प्ले यहाँ पे आ जाता है, और आप इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आपको यहाँ मिल जाता है। इस कार में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, तो Level 2 ADAS फीचर्स हैं, 20 फीचर्स हैं आपको दे दिए गए हैं। इसके अलावा 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स आपको टाटा कर्व ईवी में मिल जाएंगे। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी कंपनी ने यहाँ दे दिया है, और सेकंड रो पे आपको रिक्लाइनिंग सीट्स भी दे दी हैं, तो प्रैक्टिकलिटी का भी काफ़ी ख्याल रखा है। ये जो हिडन अंटिल लिट टच पैनल हमने देखा है नेक्सॉन में, हैरियर में, वो भी यहाँ दे दिया गया है। तो फीचर्स की बात करें, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, काफ़ी बढ़िया कैबिन इसका लगता है इन कंपैरिजन टू अदर कार्स इन द सेगमेंट, या टाटा की भी दूसरी गाड़ियाँ आई हैं सफारी और हैरियर, वो एक अच्छी बात है। अब अहम हो जाती है इसके बैटरी पैक्स और रेंज। तो ऑफकोर्स ईवी है, तो 45 और 55 किलोवाट आवर के दो बैटरी पैक ऑप्शंस हैं। आइडियल वर्ल्ड में करीब 550 किलोमीटर की रेंज का दावा टाटा कर रही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी आपको करीब 450 के आसपास की रेंज कंपनी देगी। और कंपनी ने पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन दी है कैसे आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी इसमें 450 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, वो एक अच्छी बात है टाटा कर्व ईवी में। तो हाँ, करीब 9 सेकेंड में आप 0 से 100 किलोमीटर पर आवर को छू लेंगे। 100 करीब एक अच्छी पावरफुल मोटर इस कार के अंदर दे दी गई है, और कुल मिला के एक ईवी के हिसाब से काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं टाटा कर्व ईवी में। तो ये थी इसकी बैटरी और रेंज की डिटेल्स, और साथ में आपको स्टार्टिंग प्राइस एक बार फिर से बता दूं, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 17,50,000 रुपये एक शोरूम, जो कि काफ़ी कंपेरेबल है बाकी मॉडल्स के साथ। आप पेट्रोल मॉडल्स को भी कंपेयर करते हैं ऑटोमेटिक, उसके साथ ये काफ़ी अच्छी तरह से कंपेयर करती है इसकी ये रेंज। और अब आपको दिखाता हूँ बाहर से गाड़ी के बारे में, कुछ बताते हैं डिज़ाइन वगैरह। बहुत सारे पर्सोनाज इसमें दिए गए हैं, अलग अलग पर्सोनाज के हिसाब से आप कार को चुन सकते हैं। जो फीचर्स आपने टाटा हैरियर सफारी में देखे हैं, तकरीबन सारे फीचर्स यहाँ दे दिए गए हैं, वो भी एक अच्छी बात है। अब आइए बाहर, आपको बाहर बात करते हैं और दिखाते हैं कैसी है टाटा कर्व ईवी। JBL साउंड सिस्टम भी है, और अहम चीज़ जो है वो कार के पीछे है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज यहाँ दे दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब अपना पैर नीचे स्लाइड करना है और ये टेलगेट जो है यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। ये एक अच्छा फीचर है टाटा कर्व ईवी में, इलेक्ट्रिक टेलगेट खुल जाएगा। 500 लीटर का बूट स्पेस, बहुत ही बढ़िया बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। कूपे एसयूवी का फायदा होता है कि आपको बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। अब देखिए जो सेकंड रो की सीट्स है उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 का स्प्लिट है, एक फोल्ड करिए दूसरी फोल्ड करिए अपने हिसाब से, तकरीबन 1,000 लीटर तक का बूट स्पेस आप पा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फंक्शन एक बार फिर, और ये देखिए कनेक्टिंग टेल लैंप्स दे दी गई हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया लगती हैं टाटा कर्व में। ये ईवी में भी मिलेंगी और आइस में भी मिलेंगी। ईवी कंपनी ने लॉन्च कर दी है 17.5 लाख एक शोरूम पे, लेकिन आइस अभी लॉन्च होनी बाकी है, वो होगी सितंबर में, उसका प्राइस रिवील होगा। स्ट्रोपिंग रूफ लाइन एक हाईलाइट है टाटा कर्व की, और एक खास ब्लू कलर आपको सिर्फ ईवी पे ही मिलेगा। तो ये थी टाटा कर्व साइड से और पीछे से, थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं कैसी लगती है कार। और देख रही हैं ये खास, अब जो आपको खास लुक मिलेगा लाइट्स का, वो ईवी का अलग है और आइस वर्जन का अलग है, कुछ आपको अलग लुक मिल जाएगा। और ऑफकोर्स ग्रिल का जो लुक है वो भी बिल्कुल अलग दे दिया गया है। चार्जिंग फ्लैप आपको यहाँ दिख रहा है कार का, फ्रंट में आप गाड़ी को चार्ज करेंगे, अगर आप इसको बंद करना भूल गए हैं तो कार इसको खुद ही बंद कर देगी। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है टाटा कर्व में, जो पहले आपने टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स में नहीं देखा है। तो उसको अगर आपने खुला छोड़ दिया तो ये खुद ही बंद हो जाएगा कार स्टार्ट करने पे, या कुछ मिनटों के बाद अगर आप स्टार्ट ना करें तब भी बंद हो जाएगा। कनेक्टिंग डीआरएल यहाँ दी गई हैं, वेलकम गुड बाय फंक्शन भी इसमें है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और कुल मिला के एक बढ़िया अग्रेसिव लुक, ऊपर डीआरएल, नीचे हेडलैम्प्स,
टॉप मॉडल में 18 इंच के अलॉयज अच्छा है इस सेगमेंट को देखते हुए, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, करीब 190 मिलीमीटर आपको मिल जाएगा ईवी में और 200 से ज़्यादा मिल जाएगा इसके आइस मॉडल्स में। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, कुछ फ़र्क इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, ऑफ कोर्स प्राइस में भी देखना पड़ेगा कैसी प्राइस होती है टाटा कर्व के पेट्रोल और डीजल मॉडल्स की। लेकिन फिलहाल ये है ईवी, इसकी शुरुआती कीमत है 17,49,000 रुपये एक शोरूम। कैसे लगी आपको टाटा कर्व ईवी, हमें ज़रूर बताइए। क्या आपको इस कार का इंतज़ार था, क्या आप इसे जल्दी बुक करने वाले हैं, हमें आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।